हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा सभी काम हो गया, मैं नहा लिया और कपड़े वगैरह सभी हो गए हैं। बस मेरा रह गया खाना बनाना, तो मैं अब खाना बनाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पापड़ हैं, ये सूख गए हैं और ये मैंने इनको तलने के लिए निकाली। ये वो कैरी है, मैंने आपको बताया था सामने, ये देखिए पकी हुई है। खाना लेकर आया, दो तीन दिन होंगे उन पकी वाली। और ये मैंने पापड़ सूख गए डिब्बे में रख दिए हैं कुछ, और ये तलने के लिए निकाले हैं। और ये जीरा मल लाए हैं अभी, इसको डिब्बे में भर दें। ये थोड़ा सा फैल गया तो इसको भी साफ कर दूं। और यहाँ से की है मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर पापा कर रहे हैं तो पूजा, तो उनकी गरुड़ जी मतलब घंटी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो ये मैंने पहले दिमाग में सोचा भी नहीं, जब सुना तो फिर मुझे सुनाई दिया। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं गिलकी की सब्जी, और आप खुद सुन लीजिए। इनको अब मैं छील लूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छील लूँगी गिलकी। गिलकी बहुत अच्छी हैं, ताज़ा गिलकी हैं, बिल्कुल नरम रखी हुई हैं। टाइम भी नहीं लगा इनको छीलने में, फटाफट ये गिलकी छिल गई हैं। और क्या, मैं यही सोचती थी क्या बनाऊं, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि गिलकी ले आ रहे हैं, तो फिर ये गिलकी लेकर आ गए। क्योंकि बच्चों को गिलकी पसंद नहीं है, तो मैंने कहा रसीली बना लेंगे, वो रस से खा लेते हैं, या फिर घर में बनाती हूँ तो मसाले से खा लेते हैं। नहीं तो गिलकी के नाम से ही उनके मुंह बन जाते हैं सभी के, कि नहीं गिलकी मत बनाओ। और आज देखिए हमारे गाय को क्या पता क्या हो गया है, सुबह से ही इतना रमा रही है और कुछ भी नहीं खाया है। बस ये हरा वाला घास लेकर आए थे मार्केट से, तो उसको पहले तो हमने क्या किया कि उसको काट कर हसीए से और भूसा में मिला दिया, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। और जब घास जो एक और मतलब पाँच पूरे आए थे तो डाले घास वाला पूरा, तो वो खा लिया और भूसा वाला नहीं खाया। तो हम देखते हैं, अगर शाम तक नहीं खाएगी तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाएंगे। घर में कोई सदस्य भी, गाय हो या बच्चे या खुद कोई भी हो, तो बीमार होता है तो बहुत मन उदास हो जाता है। और आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी, कि मतलब गाय क्या पता क्या हो गया, बेजुबान है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि उसको कोई तकलीफ है, क्या बात है। ये देखिए मेरी गिलकी भी छिल गई हैं और कट भी चुकी हैं। और ये दो तीन टमाटर हैं, तो मैं टमाटर को भी काट लूँगी। और इस टाइम पर गर्मी की वजह से टमाटर अच्छे भी नहीं आ रहे हैं, एक दो रोज़ में ख़राब हो जाते हैं, अगर फ्रिज में रख दो तब भी और नहीं रखो तब भी। और महंगे ज़रूर होते जा रहा, 30-40 रुपए हो गए हैं, और सही टमाटर आ नहीं रहे गर्मी की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर आ गई है रिया, क्योंकि जो काना तीन कैरी लेकर आया था पकी वाली, तो एक उसने ले ली थी तो एक रखी हुई थी, तो ये कहने लगी मुझे भी दे दो वो, तो मैं ये काट कर आपको ही दिखा रही। मैं इनकी देर रुक जाए, एक मिनट देखती हूँ। तो ये देखिए कितनी लाल रखी हुई है, और बहुत मीठी थी ये वाली कैरी। और इसके बाद मैंने सब्जी बनाने के लिए तेल गरम कर लिया और उसमें डाल दी है जीरा और प्याज। और ये हमारी प्याज भी हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। तो मैंने मसाला एक प्लेट में ले लिया है और उसको अच्छे से घोल लिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी थोड़ा सा, कि जिससे मसाला अच्छे से भुन जाए। क्योंकि
मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर गिलकी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। और मैं जब थोड़ा मसाला कच्चा रहता है तभी गिलकी को साथ में डाल देती हूँ कि मसाला और अच्छा भुन जाए गिलकी के साथ ही। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं गिलकी क्योंकि मसाला हमारा हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गिलकी डाल दी है और इनको भी अच्छे से मिला लूँगी मसाले में और ढक कर रख दूँगी। जब तक गिलकी होंगी तब तक मैं यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लूँगी। ये बना रही हूँ आज मैं कैरी की चटनी, और कैरी थोड़ी खट्टी ज़्यादा है तो इसमें मैं डाल दूँगी आधी प्याज कि जिससे खट्टापन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा खट्टी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है इसीलिए मैंने इसमें आधी प्याज डाल दी है। तो मुझे ज़्यादा खट्टी अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा प्याज से। और ये देखिए मेरी प्याज भी कट चुकी है और कैरी भी। और अब इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि खड़ी वाली मिर्च हमारी ख़त्म हो गई हैं, तो ये मैं पिसी हुई डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और थोड़े से डाल दूँगी मैं इसमें जीरे। और इसके बाद डाल दूँगी मैं ये हरा धनिया, और ये हमारी ग्राइंडर में पिस जाएगी चटनी। यहाँ पर देखिए हमारी गिलकी भी हो चुकी है, हम इनको देख लेंगे। थाली बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है तो इसको मैंने चावल से खाया, इसी वजह से चमची से उठा ली। ये देखिए हमारी गिलकी भी अच्छे से पक चुकी है। अगर मैं सोचती कि सूखी बनाऊँ गिलकी तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा रसीला करना पड़ेगा इनको। और ये देखिए मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें पानी कि जिससे थोड़ा सा रस हो जाए। और इसको ढक कर रख दूंगी जब तक ये टमाटर भी पक जाएंगे और अच्छे से बन जाएगी हमारी सब्जी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बन चुकी है। इसका कलर भी देखिए, और बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी अच्छे से खा ली थी रसी से। और अब सेक लूँगी मैं यहाँ पर रोटी क्योंकि गर्मी एकदम बहुत तेज़ हो चुकी है इस टाइम पर। ये देखिए हमारी गाय अभी भी रमा रही है, और इतनी गर्मी लग रही है क्योंकि ऊपर किचन की छत नहीं है, लोहे वाली टीने हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी से ये रोटियां बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है रोटी बनाना। और ये देखिए, आपको मैं बता रही, मेरी हालत पूरे में पसीने से नहा चुकी थी जब मैंने ये रोटियां बनाई बहुत ज़्यादा। तो मैं 10 मिनट के लिए पंखे में गई, फिर इसके बाद आई हूँ अब किचन में। अब मैं यहाँ पर तलूँगी पापड़, और यहाँ पर रख दिए मैंने तेल गरम करने के लिए। तो ये तेल हमारा हो गया है गरम, और यहाँ पर मैंने पापड़ भी तलना स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ पर लगा रही है रिया थाली, ये देखिए। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि 12-2 बज गए हूँ, मतलब 11:30 का टाइम है, 12 हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी। लेकिन धूप इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा, और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है मुझे कि आप पूछो मत। और मैंने ज़्यादा पापड़ नहीं तले, 4-5 पापड़ ही तले, उठा कर रख दिए मैं, इनकी शाम को देखेंगे अब। और ये देखिए मेरे पूरे पापड़ भी तला चुके हैं यहाँ पर, और अब हम खाएंगे खाना। ये देखिए हमारा खाना, और ये है चटनी। और आज का वीडियो बस यहीं एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छील लूँगी गिलकी। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ताज़ा गिलकी है, बिल्कुल नरम रखी हुई है,
और टाइम भी नहीं लगा इनको छीलने में, फटाफट ये गिलकी छिल गई हैं। और क्या मैं यही सोचती थी क्या बनाऊँ, लेकिन फिर इन्होंने कहा